दोस्तों साल 2020 लोगों के लिए कई तरह से शोक लेकर आया। इस साल एक के बाद एक कई तरह की मुसीबतें लोगों के सामने आती जा रही है। कोरोना महामारी ने लोगों की ज़िंदगी में वो भूचाल ला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच अंतरिक्ष में भी कई तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब नासा के मुताबिक इस साल अक्टूबर के महीने में आसमान में चांद के अलावा एक मिनी मून भी नज़र आएगा। इसे लोग आसमान में अक्टूबर से लेकर अगले साल मई तक देख पाएंगे। नासा के मुताबिक ये मिनी मून तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और फिर अगले कई महीने यहीं फंसकर रहेगा। इसके कारण हमें आसमान में दो चांद देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ ही 76 साल बाद अक्टूबर के महीने में एक और अद्भुत व दुर्लभ नज़ारा दिखाई देगा। दरअसल अक्टूबर के अंत में हमें आसमान में ब्लू मून यानी के नीले रंग का चांद दिखाई देगा और बताया जा रहा है कि साल 1944 के बाद पहली बार ऐसा नज़ारा दिखने को मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। जब से धरती बनी है तब से चांद के रूप में पृथ्वी को निरंतर साथी मिला हुआ है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोई छोटी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते पृथ्वी की टेम्पररी परिक्रमा करती है। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को मिनी मून कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के करीब आने वाले एक मिनी मून की खोज की है जो लगभग 43,000 किलोमीटर दूर से करीब आने के लिए तैयार है। नासा के JPL ने बताया कि पृथ्वी की तरफ एस्टेरॉयड 2020 SO तेजी से आ रहा है। यह इस साल अक्टूबर से अगले साल के महीने तक आसमान के लिए मिनी मून बनेगा। हालांकि इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कोई एस्टेरॉयड नहीं है बल्कि यह इंसान का ही बनाया हुआ सैटेलाइट का मलबा है। नासा के एक साइंटिस्ट के मुताबिक जिस टुकड़े को लोग एस्टेरॉयड बता रहे हैं वो असल में 1966 में लॉन्च हुए एक रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। टोनी डन जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बताया कि इस मलबे की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके पृथ्वी तक आने में सोलार रेडिएशन प्रेशर का भी अहम योगदान है। अब तक के इतिहास के मुताबिक पृथ्वी पर दो मिनी मून रिकॉर्ड किए गए हैं, एक जहां इसी साल फरवरी 2020 में था जबकि दूसरा साल 2006 में। ये दोनों ही एस्टेरॉयड थे लेकिन इस बार वाले मिनी मून को स्पेस जंक भी कहा जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट 15 से 46 फीट लंबी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एस्टेरॉयड 2020 की वेलोसिटी अपोलो एस्टेरॉयड से काफ़ी कम है। फरवरी में नासा ने इसे डिटेक्ट कर लिया था और अब ये तेज़ी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है और अगले महीने यानी कि अक्टूबर से लेकर मई 2021 तक टेलीस्कोप की मदद से इसे आसानी से देखा जा सकेगा। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि अक्टूबर के महीने में ही आकाश में एक और अद्भुत व दुर्लभ नज़ारा दिखाई देने वाला है। दरअसल दुनिया में 31 अक्टूबर को ब्लू मून यानी कि आसमान में चांद नीले रंग का दिखाई देगा और बताया जा रहा है कि साल 1944 के बाद पहली बार ऐसा नज़ारा दिखने को मिल सकता है। ब्लू मून को साउथ अमेरिका, इंडिया, यूरोप और एशिया समेत पूरे विश्व में देखा जा सकेगा और साइंटिस्ट का कहना है कि 31 अक्टूबर के बाद ऐसा नज़ारा फिर 19 साल बाद ही देखने को मिलेगा। लोग हेलोवीन के दिन इस नज़ारे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 2020 में अक्टूबर के महीने में लोग दो बार पूर्णिमा भी देखेंगे। पहली पूर्णिमा 1 अक्टूबर को और दूसरी पूर्णिमा 31 अक्टूबर को होगी। यह संयोग बहुत ही कम होता है। आमतौर पर साल में 12 पूर्ण चंद्र होते हैं, इस बार 13 हो जाएगा। कहा जाता है कि ऐसा नज़ारा सेकंड वर्ल्ड वार के समय पूरी दुनिया में देखा गया था। इसका मतलब है कि लोग इसे 76 साल बाद देख पाएंगे। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि चांद पूरी तरह से नीले रंग का हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर ब्लू मून की फेक इमेजेस दिखाई जाती हैं। हालांकि इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है लेकिन चांद का रंग पूरी तरह से नहीं बदलेगा। असल में जब भी एक महीने के अंदर यानी 30 दिनों के समय में दो बार पूर्णिमा यानी फुल मून का संयोग घटित होता है तो उसे ब्लू मून ही कहा जाता है। सोशल मीडिया पर ब्लू मून के रूप में नीले रंग का चांद दिखाया जाता है लेकिन ये पूरा सच नहीं है। नासा का कहना है कि ज़्यादातर ब्लू मून पीले और सफ़ेद ही दिखाई देते हैं लेकिन 31 अक्टूबर का चंद्रमा उन सभी चंद्रमा से एकदम हटकर होगा। उनका कहना है कि कभी कभी चंद्रमा नीला दिखाई देता है लेकिन यह एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से नीला दिखाई देता है, न कि कैलेंडर के समय बदलने की वजह से। इसी तरह की घटना का उदाहरण 1883 में हुआ जब ज्वालामुखी क्राकोटा फट गया। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल का हवा उठने के कारण चंद्रमा नीले रंग का दिखाई देने लगा था। यदि 31 अक्टूबर की रात आसमान साफ रहेगा तो इस रात आप इस ब्लू मून को देखने का आनंद ले सकते हो क्योंकि इस रात का चांद बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।